बेटा भगवान के लिए मुझ पर रहम कर। मैंने जिंदगी में एक ही गलती की, तुझे पैदा करके इसकी सजा तू मुझे कब तक देगा? बताना क्या चाहता है तू मुझसे? ऐसा कुछ नहीं पिताजी, आप सुकून से रहिए। कैसा सुकून? पता है उधर तेरा जन्म हुआ और इधर मेरा सुकून खत्म हो गया। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तेरे लिए दो बेटे ही ठीक है, अगर तू तीसरे को जन्म देगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे माँ भी तो चाहिए थी। पूरी जिंदगी अपनी माँ को खुश करने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मुझे पहला भुस्सा का इसने तीसरा बेटा पैदा कर लिया और अंजाम मैं भुगत रहा हूँ। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी नरक बनती जा रही है। पता है जब तूने आँख खोली तो मेरी माँ तेरे को देखने से पहले ही चल बसी। उनका मरना मेरा पैदा होना एक ही टाइम पे था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब कुछ लोग तो सेंचुरी मार देते हैं और कुछ पहले ही आउट हो जाते हैं। अंपायर ने उंगली दिखाई तो वो चली गई और क्या। hey! तेरे पैदा होते मेरी माँ मर गई और अपने कर्मों से हमें मार रहा है। क्या है ये? क्या क्या है ये बालों के हालात? ट्रेंड है। ट्रेंड? तू और तेरा ट्रेंड, पूरा शरीर है तेरा बैंड। ये क्या है जी, जब देखो आप इसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो। आखिर इसने ऐसा किया क्या है? ए, ए, तुझे पता भी है इसने क्या किया है? तेरे लाडले की करतूत सुनेगी? नमस्ते सर जी। क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक दोस्त है। अच्छा, दोस्त प्रॉब्लम है? वो नहीं, वो किसी से प्यार करता है, बस यही प्रॉब्लम है अंकल। नो प्रॉब्लम, कम सेट। ओके। जानते हो आज के जमाने में तो बॉय का बॉयफ्रेंड होता है और गर्ल की गर्लफ्रेंड होती है जी। तो बॉय की गर्लफ्रेंड होना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम भी प्यार करो। मैं तो कहता हूँ सभी को प्यार करना चाहिए। तुम्हारा फ्रेंड प्यार कर सकता है, वो प्यार कर सकता है और वो भी प्यार कर सकती है। सर मैं तो काफी दिनों से प्यार कर रहा हूँ लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पति नहीं मानेंगे सर। तो तुम अपने पति से प्यार करो, नो प्रॉब्लम। नाउ टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। उन दोनों की जात अलग है अंकल। नहीं होने दूंगा, जात पात कुल के नाम लेने वालों का गला काट के रख देता हूँ मैं। क्या सोच है अंकल, आपको तो मेडल मिलना चाहिए राष्ट्रपति के हाथों। आप स्टेशन के भगवान हैं, रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं, सबके रक्षक हैं आप अंकल। आप ही को आगे आके हमारी रक्षा करके हमें आशीर्वाद देना होगा अंकल। डोंट वरी माय बॉय, तुम्हारे जैसे जवान की इस देश को जरूरत है और मुझ जैसे एसआई की समाज को जरूरत है। मुंबई माफिया या दुबई से सुपारी जी, गुंडा मवाली कोई भी आने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन दोनों को यहीं ले आओ, आज ही मुहूर्त है। यह पुलिस स्टेशन मंडप होगा और हमारा स्टाफ तुम्हारा विटनेस बनेगा। हमारी पुलिस विसल ही शादी के मंत्र होंगे और गन साउंड बैंड बाजा होगा। देखता हूँ दोनों की शादी के बीच में कौन आता है, मैं देख लूंगा उसे। और उनकी स्वागत पुलिस स्टेशन में होगी। क्या कहा तुमने? ओके अंकल, ओके। ओके ओके। देखिए ये हमारे इस पुलिस स्टेशन में होने वाली पहली शादी है, इसलिए इस मौके पर आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जानते हैं इस पुण्य कार्य में मेरा सहयोग करने वाला मेरा एक दोस्त है भद्रा। सर ये भद्रा कौन है? भद्रा वो ही इज आवर यंग डायनेमिक मैन। आ गए भद्रा। ये सब कौन है अंकल? ये मीडिया के लोग हैं, हमारी मैरिज कवर करने के लिए आए हैं। ये सब ब्रेकिंग न्यूज एक्सपर्ट्स हैं। ओह क्या नेटवर्क है आपका,
एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर सारे चैनल्स पर आप ही आप छाए रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज को आप ही ब्रेक करेंगे, ये बात तो पक्की तय है, छा जाएंगे आप। ऐसा क्या? हाँ चलो। हाँ देखो भद्रा, ये चेयरमैन है, मंडल अधिकारी है, नमस्ते, ये जिला अधिकारी है, नमस्ते, ये किसानों के मुख्य अध्यक्ष, नमस्ते, वो है महिला मंडल की अध्यक्षा, नमस्ते, वो है कॉर्पोरेटर, नमस्ते, और नमस्ते, हाउस वाले हैं, नमस्ते, सभी को बुला लिया है मैंने। क्या लेवल है आपका अंकल? वो तो है ही। देखो मेरी एक विसल में ये सब लोग यहाँ आ गए, कोई बीच में आएगा तो उसे हथकड़ियाँ पहना दूंगा। स्टेशन में शादी होने का मतलब ऐसे वैसा नहीं है, FIR करने जितना स्ट्रांग होना चाहिए। तुम दोनों आ जाओ। क्या संस्कार है, क्या विनय है। कांग्रेचुलेशन सर, नो कमेंट्स। क्या हुआ बेटी, तुम सिर झुकाकर क्यों चली आ रही हो? सिर को ऊपर उठाओ, और जात पात के विरोध में तुम प्रेम विवाह कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम्हारे प्यार या शादी के बीच में आएगा तो उसे फौरन मैं यहीं अरेस्ट कर लूंगा। घूंघट उठाओ बेटी, गर्व से घूंघट उठाओ। सर ये किसी और की नहीं, आप ही की बेटी है। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। चुप। इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी बेटी है क्या? पिताजी हो तो आप जैसा आदर्श पिता है आप। आप प्लीज अपना मुंह बंद रखेंगे। अंकल शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप इतने आदर्श पुलिस ऑफिसर होंगे, हमने कभी सोचा नहीं था सर। थैंक यू, थैंक यू। अंकल अंकल, मुझे आपकी अच्छाई देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान, मैं कैसे तेरी बातों में आ गया। वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए, चलिए चलिए, बाजा बजंत्री, बाजा बजाइए, बाजा बजाइए। आशीर्वाद तो दीजिए अंकल। चलो आखिर शादी हो ही गई। तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगा। ये तो वहां से निकल भागा लेकिन मैं फंस गया। ए, तुम उस भद्रा को कब से जानते हो? मैंने उसे 1980 में जन्म दिया था और तभी से मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो उस खिलाड़ी के पिता तुम ही हो। दूसरों को धोखा देना, नहीं, चोरी से शादियां करवाना, नहीं, नहीं, ये सब तुम्हारे ही खून से उसके अंदर गया है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, नहीं, उसका आना तो मुझे भी पसंद नहीं था सर। वो तो बस थोड़ा धोखे से पैदा हो गया सर। ओ, तो उसका जन्म ही धोखा है। कैसे विश्वास करूं मैं तुम्हारा? भगवान की कसम खा के कहता हूँ सर। तो ये बताओ कि अभी कहाँ है वो? अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं खुद घसीट के लाता, आपके पैरों में डाल देता सर। जो भी करना है कर लो, उसका पता नहीं किस अनाथ की शादी करवा के बैठा है। अनाथ कैसे कहा तूने? किसे कहा अनाथ? उसने मेरी बेटी की शादी करवाई है। आपकी बेटी की शादी? कांस्टेबल तोलाराम सर, हमारे पुलिस स्टेशन में कितने केस पेंडिंग है? सर पूरे 400 केस पेंडिंग है, 200 रेप केस है और 200 मर्डर केस है। सुना ना कितने केस है? इनमें से किसी भी एक केस में फंसा कर तुझे अच्छी तरह धो दूंगा मैं। सात जन्मों तक नहीं भूलेगा तू। तू अगर और इस गांव में रहा तो पता नहीं कैसे केस हमारे सिर पे आ जाएंगे। आज से या तो तू इस गांव में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ पिताजी, ये सब मैंने किया है तो मैं ही जाता हूँ, आप क्यों जाएंगे यहाँ से बताइए। हाँ ठीक है, पता है ना तुझे पूछते सब यहीं आते हैं, परेशान हूँ मैं। अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारी कसम है। बहुत सता लिया तुमने हमको, क्यों सही कहा ना? सुन भद्रा, देख तू शहर जा रहा है, वहाँ थोड़ा होशियारी से रहना। पिताजी आप मुझे शहर भेज रहे हैं या फिर किसी रियलिटी शो में भेज रहे हैं? ज्यादा मत बोल, तू जैसे मेरे साथ बात करता है वैसे वहाँ बात मत करना। वो शहर है, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वहाँ थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो। पिताजी अगर शहर वाले मेरे साथ अच्छे से रहे तो मैं भी उनके साथ अच्छे से रहूंगा, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो नागा मर गया भाई। क्या कहा तूने? फिर से बोल। वो मर गया, वो मर गया, उसे अपने ही आदमियों ने मारा है भाई। क्या खुशखबरी दी है तूने, मेरा दिल खुश कर दिया तूने बच्चे। हे, जाकर उसकी लाश लेकर आओ। चले चले।
इस बस्ती पे मैंने राज किया था, ये आकर ए, क्या खड़े हो, नीचे उतारो इसे, उतारो नीचे, उतारो। मैं ही किंग हूँ यहाँ का, सुन रहा है ना तू नागा, इस शहर में पहला चाकू पकड़ने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। और पॉट लगाया तूने तो मुझे पर, एरिया कोई सा भी हो किंग एक ही होता है। ए, अगर तेरे पीछे चार लोग खड़े हैं तो तू किंग बन जाएगा। ए, मुझसे पंगा लेगा तो यही हाल होगा तेरा, मरा ना तू कुत्ते की मौत, अब तो तुझे आग भी नसीब नहीं होने दूंगा। तूने मुझे इतना लाचार समझा है, असली किंग मैं हूं और किंग कभी मरता नहीं, किंग सबको मारता है और अब मरने की बारी तेरी। डर गया? हाँ डर गया, देखा ना डर गया, यही डर मुझे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझसे डरे। चार लोगों के बीच लाश बनकर आया है तो तुझसे लोग डरेंगे? ना मर्द कहीं का, ना मर्द है तू। बिल्कुल सही कहा तूने, एक काम करें क्या, तेरे और मेरे बीच एक गेम हुआ, डेथ गेम, मंजूर है? रेडी। इसके पांच खाने खाली हैं, सिर्फ एक ही बुलेट है जो फैसला करेगी कि किसका नसीब अच्छा और कौन जिंदा रहेगा। चल आज तू या मैं डिसाइड हो जाएगा। तूने अपने हाथों से ही अपनी जान गंवा ली, असली किंग मैं था और मैं ही रहूंगा। सबको पकड़ो, नहीं बचना चाहिए, भाई साहब बात यह है कि मैं इस शहर में एकदम नया आया हूँ, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने बहुत सा डोनेशन देकर इस शहर के कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया, अब बस मैं अपना बैग उठा लूं फिर चला जाऊंगा, तब तक रुक जाइए। घर वालों की, बाहर वालों की, छोटों की, बड़ों की नजर सबसे बचा कर रखना। थू थू कीजिए। पापा। अबू, आले आले। कैसी मेरी बच्ची? क्यों बेटा? बताओ आज किस किस को मार कर आए हो तुम? हाँ? कितनी बार समझाया कि बच्ची के सामने ये सब बातें मत किया करो। बेकार बोलने की बीमारी कभी जाएगी नहीं आपकी। बेकार बोलने की बीमारी मुझे नहीं तुझे है। पता नहीं किस जन्म का पाप है जो ऐसा पोता पैदा हुआ है और ऐसा पति मिला है। देखो कैसे चिल्ला रहा है, बहुत उछलता था ना ये भी, अब देखो अपने किए की सजा भुगत रहा है। अपना मुंह बंद करो ना। क्या हुआ दादाजी, आपने दवाई तो ली ना? एक ये जिनका मुंह बंद नहीं होता और एक ये जो मुंह खोलते नहीं, आओ तुम्हें देखो। क्या हुआ दादाजी, तुम लोगों को इनकी बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो ठीक है देखो। क्या हुआ, यमदूत दिख रहे हैं क्या, बुला रहे हैं, जाओ जाओ।
पापा पापा, कल दादाजी जंगली पिक्चर देख रहे थे, उसमें मल्लिका थी, मोस्टली दादाजी उसे ही याद करते रहते हैं। अच्छा, मल्लिका चाहिए इस बुढ़ापे में, ऐश्वर्या नहीं चाहिए तुम्हें? सुना तूने, इनकी क्या ख्वाहिशें हैं? मरते समय में भी जलसा करना है इन्हें बूढ़ा कहीं का। अरे अरे दादी जी, दादाजी मल्लिका या ऐश्वर्या नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मालिक तेरे राज में मैंने बहुत ऐश की, है ना दादाजी? अरे लोके, क्या बात है, साइकिल पे हेलमेट, चक्कर क्या है? ये बेवकूफ, बाइसाइकिल हो या बाइक हो, ये ब्रेन इम्पोर्टेंट है, ब्रिलियंट ब्रेन की सेफ्टी के लिए ये हेलमेट जरूरी है। वाह भाई, क्या ब्रेन है आपका। वो सब रहने दे, अब टाइम पास के लिए किसी कलर को ढूंढते हैं। ए लोके, उधर देख, होममेड कलर है, एकदम फर्स्ट क्लास। ए ऑरेंज साड़ी, इधर आ, आजा। नाम क्या है? सकल पीड़ा, परिहारा, चामुंडेश्वरी, बारा प्रसाद, कोमलवाली। स्टॉप स्टॉप, ये तुम्हारा नाम है या इसमें तुम्हारे पूरे गांव के लोगों का नाम शामिल है? नहीं नहीं, इतना बड़ा नाम नहीं बुला सकते ना, इसीलिए सभी वल्ली वल्ली कहकर पुकारते हैं। तुम वल्ली हो, कल्ली हो, नल्ली हो, जल्ली हो या लल्ली हो, तुम जो भी हो, सुनो, सभी करियर बनाने के लिए कॉलेज आते हैं, पर मैं यहाँ टिफिन खाने के लिए आता हूँ। तुम्हारा टिफिन दो। ये क्या है? चिप्स, चकली, नमक, अचार। ये ब्रेकफास्ट है क्या? नहीं, साइड में चखने के लिए। अच्छा, चखने के लिए ये है, तो पीने के लिए क्या क्या है बता? इसमें ये जनरल वाटर है या मिनरल वाटर है? अरे वाटर नहीं है, मेन वाटर तो इसी में है, विस्की मिक्स करके लाई है रे। अरे अरे नहीं यार, वाटर ही है, पर किक के लिए एक लार्ज विस्की बॉटल मिक्स कर दी है। इसे तुम ही टांगो बहन, वल्ली बहन। हाँ, चीयर्स करो चिंपैंजी, बाय। भाई ये नॉर्मल फैमिली की लड़की नहीं है, हाईटेक फैमिली की लड़की है। ए, ये कॉलेज में नया मुर्गा कौन आया रे, पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? पूछते हैं, पता चल जाएगा। गुरु, ना तो उसके पास बॉडी दिख रही है और ना ही ब्रेन दिख रहा है। ये तुझे कैसे पता? बॉडी और ब्रेन का कॉम्बिनेशन तो आप ही के पास है ना गुरु। इसलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद है, उसे देखो बड़ा मस्त मस्त लग रहा है, अभी देखो कैसे मजा चखाता हूँ। सुन, इधर आ, इधर आ मुन्ना। मैं तू ही रे, इधर आ, जल्दी आ। अरे मेहंदी लगा रखी है क्या? तेरी तो। कॉलेज के सीनियर को सल्यूट करना होता, इतना भी सेंस नहीं है क्या तुझमें? हाँ ठीक है, हाइट क्या है तेरी? पूरी छह। पापा की है इतनी? देन ओके, हेरिडेटरी प्रॉब्लम। फ्रेश हो? किस में? कॉलेज में फ्रेश हो ये पूछा मैंने। फर्स्ट डे है। हाँ, बात ध्यान से सुनो। एए, वो रेड्रेस दो। लो गुरु। वहाँ गांव की ग्लैमरस गाय दिख रही है ना? दिख रही है सर। उसके बालों में ये फूल लगा के आओ। अब सर, अगर उसे खामखा मुझसे लव हो गया तो क्या होगा? एए, अगर हो गया तो मैं देख लूंगा। अब पकड़ से। ये पकड़िएगा सर। पकड़ना। क्या ये जरूरी सर? सर सर लग रहा है सर। ए, सीनियर का ऑर्डर नहीं मानता है बॉयस। चलो जाओ। सर कहाँ? कौन है रही है? तो सीधे नागा की बहन का ही नंबर लगा दिया। डरिए मत, फूल उसने फेंका, उसकी प्रॉब्लम है ये। ये तुझे लगता है? अगर उसे असली बात पता चली तो मुझे तो टुई टुई कर देगा। चल निकलते हैं। वो देख रही है। उसकी तो हालत खराब हो गई। छी, ये सब जानबूझ के करते हैं। मुझ जैसे हैंडसम को देखते ही बस रास्ते में फूल फेंक देते हैं, फिर स्माइल देके सिग्नल देंगे, फिर एक्सेलेटर मार के दिमाग की बत्ती बुझाएंगे।
I hate love. I hate lovers and I hate girls. You can't cheat me, okay? आपका फूल तो आपके पास ही लौट के आ गया। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे आगे कहाँ जा रही है? यहीं बैठ जा मेरे पास। मैं हूँ सुपर नशा, मुझ में सुपर मजा, मैं हूँ सुपर लकी। साइलेंस। I'm a new professor for biology. Hey you, sit down. Silence. I said silence. I want to know what are the portions covered so far. So I'm going to ask you some questions now. Hey you. Hey you, stand up. I said stand up. Now, tell me, what are the chapters covered so far? हिंदी सर। क्यों इंग्लिश नहीं आती क्या? नहीं आती सर। क्यों नहीं आती सर? 200 साल हम पर राज करके हमें गुलाम बनाकर रखने वाले उन ब्रिटिश लोगों की इंग्लिश सीखने का मन नहीं किया। बिल्कुल दिल नहीं किया सर। ओह तो तुम फ्रीडम फाइटर हो? हाँ यस सर। हाँ हे यू गेट अप सर। सो व्हाट आर द पोर्शंस कवर्ड टिल नाउ? हाँ नहीं पता? नहीं पता ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? कॉलेज में गुंडागर्दी करने आते हो? साइकोलॉजी बायोलॉजी के लेक्चर्स के बजाय लवालॉजी सेक्सोलॉजी के लेक्चर्स लेते हो? एक्सक्यूज मी यू आर टू लेट फॉर दिस क्लास, कम टू द नेक्स्ट क्लास, गेट आउट। सॉरी ओके ओके। बुक्स कहाँ है सर? बेच दी ना बियर पीने के लिए। बियर पी ली उनसे ना? क्या समझते हो खुद को? यही सीखने के लिए कॉलेज में आते हो? हाँ आंसर मी। एक्सक्यूज मी मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये मेरा पीरियड है। श्योर सर, प्लीज कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस, से गुड मॉर्निंग टू द प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी रही? अरे ये तो सबका बाप निकला, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। इसे दोस्ती करने में भलाई है। अरे रे 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 यार, क्या हिला डाला पूरे क्लास को। उस मूछ वाले गधे को मैं ही समझाने वाला था, पर तुम पे छोड़ दिया, जब तुम आ गए तो देख लिया। क्या हुआ यार? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तुम्हारा ही शेड है, ये तुम्हारा बेड है, मैं हूं तुम्हारा पार्टनर, बड़ा कॉमेडियन हूं। जरूरी बात यह है कि मैं इस कॉलेज का सीनियर हूँ। वो तो दिख रहा है। यूथ लगता हो ना? हाँ वैसे पूरा कॉलेज मुझसे थर थर कांपता है। इसलिए मुझे देखते ही डर गए ना? बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? इस कॉलेज का रैगिंग किंग बनना है मुझे। तुम्हारे गाइडेंस के मदद से मैं रैगिंग करना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी सी बात है सर। कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा। मेरा बेडरूम। और एक्टिंग हो रही है। ए लोकी देख, ओरिजिनल बकरा चला आ रहा है रैगिंग के लिए। ए बद्रू, इसके साथ थोड़ा रैगिंग कर लूं क्या? कर लीजिए ना सर, मैं हूं ना। ए छोटे हाथी, इधर आ, आजा आजा आजा। ए, 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 आराम से, बॉडी डैमेज हो जाएगा, आराम से हाँ, दूर रहो हाँ। भाई रैगिंग करोगे क्या? करो ना भाई, करो ना रैगिंग, करो ना, करो ना। ए, 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 रैगिंग करके मैं तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा, तुम्हें नहीं बनना। तुम बनाओ ना तमाशा, बनाओ ना मेरा, बनाओ ना भाई। सर जल्दी से इसकी रैगिंग ले लीजिए, नहीं तो ये आपका रेप कर देगा। ऐसा क्या? ए, तुझे साइकिल चलानी आती है? साइकिल क्या? साइकिल भाई, अरे साइकिल में तो मैं स्टेट लेवल पे फर्स्ट आया था भाई। मैं हाथ से पैडल मार सकता हूँ भाई, पैरों से ब्रेक मार सकता हूँ, मुंह से बेल्ट मार सकता हूँ भाई। तो इस साइकिल को लेकर पूरे कॉलेज में 3 राउंड। अच्छा समझ गया। अच्छा लेकिन साइकिल तो ना भाई, ये तो कोई भी चला सकता है। इसे साइकिल इमेजिन करो, इसकी सीट पर बैठ कर, इसकी हैंडल पकड़ कर, पैडल मार कर, पूरे कॉलेज में 3 चक्कर मार कर आ। चलो जल्दी जाओ। अच्छा भाई
भाई घंटी काम नहीं कर रही भाई। अरे घंटी है रे, जोर से दबा। अरे रे 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 रे, इतने जोर से भी मत दबा वरना पूरे कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आ जाएंगे। धीरे से दबा। धीरे धीरे क्या कर रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है क्या? पता नहीं भाई, आगे बढ़ नहीं रही, लगता है लॉक हो गई है। लॉक हो गई है? हाँ हो गई होगी। ये ले चाबी पकड़। भाई मैं जा रहा हूँ, हैप्पी जर्नी बोलो ना। हैप्पी जर्नी छोटे आदमी, जाओ जल्दी कराओ। एकदम ओरिजिनल बकरा। ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा भाई वापस आऊंगा तो साइकिल दोगे ना? भाई को तूने समझा क्या रे भाई? लगता है आपकी रैगिंग के डर से भाग गया वो। और नहीं तो क्या। भाई साइकिल दो भाई। कौन सी साइकिल बे? मेरी साइकिल भाई। अच्छा वो वाली, ये ले 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 भाई। ये मेरी साइकिल नहीं है, मेरी साइकिल तो ये है। शाने के साथ शान पट्टी करेगा तो कान के नीचे चट्ट से आवाज आएगी। चल निकल। अरे भाई 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 क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखो क्या ना भाई, मैंने जो इनको साइकिल रखने दिया था ये मुझे नहीं दे रहे हैं, और मुझे 3 राउंड मारने को भी कहा था भाई कसम से। राउंड मारे थे इसने? मारे थे भाई। भाई मैंने कहा कि फ्रेश होकर आता हूँ, आके साइकिल लूंगा, साइकिल मांगा तो धक्का दिया। धक्का दिया? हाँ पर वो दिया था क्या? दिया था। तुम फौरन इसके साइकिल वापस करो। पर ये साइकिल मेरी है, उसकी थोड़ी है। बहुत झूठ बोलता है, यहाँ देखिए इस साइकिल की चाबी मेरे पास है भाई। एक तेरे ही पास दिमाग है क्या? जब तुझे मैं चाबी दे रहा था तो ये लोग थे। कहाँ गया वो? कहाँ गया भद्रा? अरे तुम्हारे सामने ही तो गया था। अरे उसने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अभी मैं यहाँ हूँ और वो कहाँ चला गया? इसे साइकिल देगा या मार खाएगा, ये जरा जल्दी डिसाइड कर ले। थैंक यू भाई, थैंक यू। चल ले जा। भाई साइकिल का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, चला जाता हूँ। तेरे मुंह में कीड़े, तेरे मुंह में धूल। बोलो अंश बेटा, आपने उस मड़ी के भाई का मर्डर पब्लिकली किया तो? वही तो मेरा स्टाइल है, क्लब में हो पब में हो, पब्लिकली जो करता हूँ पब्लिक के सामने करता हूँ, वो सब देख के लोग मुझसे डरते रहेंगे और वही डर मुझे चाहिए। तो ध्यान से सुनिए सर, आपसे भी बढ़कर कोई है, आपकी किसी ने कंप्लेंट की है। मेरी कंप्लेंट की है? किसने? स्टूडेंट है सर, MCR कॉलेज का स्टूडेंट। हाँ सर। भाई मैं उसे जानता हूँ, उसे मैं देख लेता हूँ भाई। हाँ भाई ठीक है भाई, आता हूँ। कंप्लेन इसने नहीं किसी और ने की थी। चलो हेलो। हाँ आए बिना बात मारा और चल दिए, पता चल गया मैं वो नहीं हूं ना, एटलीस्ट एक बार सॉरी तो बोलो बस। सॉरी भाई तुझे सॉरी बोलेगा? ए गुस्सा मत दिला मुझे, ये 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 तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मुंडी काट दूंगा, टेंशन देता है चुप कर। अरे भाई भाई क्या हुआ रे? आपको पासपोर्ट और वीजा के बगैर ही ऊपर भेजने आया एक।
हो। क्या हुआ रे, सुबह की मार कम पड़ गई क्या? बात सुन भाई, मैं बात कर लूंगा, तू जा यहां से। सुबह सुबह सबके सामने बिना गलती के मारा, बस उसी बात का दुख है मुझे। तो भाई बस एक बार सॉरी बोल दो। क्या? ए, मैं तुझे सॉरी बोलूंगा? ए, तूने जो गलती की उसके लिए सॉरी क्या तेरा बाप आके बोलेगा? बोलो बेटा, सॉरी बोलो, बोल बे। सॉरी। यहाँ नहीं, सुबह मुझे जिनके सामने मारा था उनके सामने बोलेगा सॉरी, तो बोलेगा ना? मेरे ही इलाके में आके मुझे वार्निंग देता है, इसी कॉलेज में तुझे गाड़ के रख दूंगा। क्या कह रहा था तू? मैं तुझे सॉरी बोलूंगा? जमीन पे क्या पड़ा है? सॉरी बोल। सॉरी। जोर से बोल। सॉरी। ए भद्रा, उस नागा के राइट हैंड को ही मार दिया तूने। क्या कहा नागा? कौन है ये नागा? क्या, नागा को तुम नहीं जानते? अरे वो इस सिटी का बड़ा डॉन है। ओ, तो उसे भी जाके ठीक करना पड़ेगा। तुझे डर नहीं लगता क्या? ए, मैं अभी तक अपने पापा से नहीं डरा, अगर उससे डर गया तो पापा को बुरा फील होगा। तुम मेरे आदमी हो और उसने तुम पर हाथ उठाया। ए, वो कहीं भी हो, जाओ लेकर आओ उसे, जाओ। भाभी, क्या हुआ? मैंने कहा था ना भाभी, उस दिन कॉलेज में भैया के आदमी को किसी ने मारा था, ये वही है। हाँ? कितनी हिम्मत है इसमें, उन्हीं के आदमियों को मार कर उन्हीं के सामने आ रहा है, विश्वास नहीं होता। जबान से बात और हाथ से हथियार कभी नहीं छूटना चाहिए। बात छूटने पर इज्जत चली जाती है और हथियार छूटने पर इंसान मर भी सकता है। नमस्ते भाई, आप जैसे फेमस इंसान से मिलना तो मेरा नसीब है भाई। आप सिर्फ इसी शहर में नहीं, मेरे गांव में भी फेमस है भाई। भाई आपकी कहानी तो पूरा गांव जानता है। तेरी क्या कहानी है ये बता। मैं इस शहर में पढ़ने आया हूँ भाई, मेरे गांव तो वो है शिवपुरा, मड़ी यात्रा। अभी समझ में आया, वहीं का जिद्दीपन, हिम्मत दिखाना, मैं भी तो मंडी यात्रा की। सच में? शुरू हो गई। भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही के आदमी कॉलेज आए और बिना सच्चाई जाने
मुझे बहुत बुरी तरह से पीट दिया, फिर भी मैं शांति रहा भाई। बस एक बार सॉरी बोलने के लिए कहा मैंने, और क्या, मैंने कुछ गलत कहा क्या भाई? वो मुझे फिर आकर मारने लगे, फिर मुझसे रहा नहीं गया भाई। मंडी यात्रा के लोग शांत रहते हैं, पर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा दादी आपने, मुझसे रहा नहीं गया फिर, और मैंने एक एक की जम कर दुलाई की। भाई अगर इनने बताया होता कि ये आपके आदमी है तो मैं इनको मारना तो दूर छूता भी नहीं, कसम से हाथ भी नहीं लगाता। इस बार तुझे माफ कर देता हूँ, पर एक बात सुन, मेरे आदमियों पर हाथ उठाया मतलब मुझ पर हाथ उठाया। जो हुआ उसे भूल जा, वापस अपने गांव चले जा। अगर दोबारा यहाँ मेरे आदमियों को या मुझे दिखाई दिया तो भाई भाई अब दोबारा गलती से भी गलती नहीं करूंगा, एकदम सच कह रहा हूँ भाई। लेकिन अब कॉलेज की पढ़ाई फीस और वो तुझे फीस चाहिए या लाइफ चाहिए? लाइफ भाई। तो जा। ठीक है, आता हूँ भाई। क्या? जाकर आता हूँ भाई। जाकर आता हूँ दादी। जाओ बेटा, मंडी यात्रा के सभी लोगों को कहना मैंने याद किया है। ठीक है दादी। कैसी रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, hello. Hi. Good morning, sir. Hi, darling. Good morning, sir. Hey. Hey. Good morning. कौन हो तुम? हाँ? सीनियर हूँ बेटा। तुम्हें कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? जूनियर मोस्ट प्रिंसिपल। नमस्ते सर, मैं सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ सर। नए हो क्या इस कॉलेज में सर? अनजानों के लिए नया हूँ। हाँ? परिचित लोगों के लिए पुराना। हाँ? 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर। सिर्फ 2 साल हुए? मैं तो यहाँ ऑल टाइम सर्विस 10 साल से कर रहा हूँ सर। कोई स्टूडेंट नहीं है जो मुझे इस कॉलेज में नहीं बचाता। और यहाँ सीधे खड़े रहे? माता पिता दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ा रहे हैं और तू यहाँ मजे करने आता है? कौन से माता पिता सर, कौन से माता पिता? मैं अनाथ हूँ सर। हाँ? अनाथ। गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया मैंने, माफ कर देना मुझे। कोई बात नहीं है सर, मैं अकेला अनाथ नहीं हूँ, इस दुनिया के सारे लड़के अनाथ हैं, और तो और आप भी अनाथ हैं सर। मैं? हाँ सर। कैसे? सर, अपने खुद के बेटे को अगर कोई माँ सिगरेट पीने से मना करे और कहे नहीं दूंगी तो क्या वो माँ हुई सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बियर पीने का मन कर रहा है और अगर उसका बाप उसको मना करे तो क्या वो बाप कहलाता है सर? बोलिए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे माँ बाप किस काम के सर, बताइए। सच कहा तुमने, वैसी माँ माँ नहीं है, वैसा बाप बाप नहीं है। नहीं सर। लेकिन मैं यहाँ का जूनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूँ। हाँ। पकड़ो। गिफ्ट दे रहे क्या सर? कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर दो, जाओ। अला अला अला। एक सीनियर मोस्ट के साथ एक जूनियर मोस्ट इस तरह बात नहीं कर सकता, वरना स्ट्राइक हो जाएगा। स्ट्राइक। रस्टिकेट कर दूंगा, रस्टिकेट। क्या सर, आप भी इमोशनल हो गए, मैं तो जा ही रहा था। यूज़लेस फेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे। नहीं नहीं यार, ऐसे मत करो, प्रिंसिपल की कार है यार, प्लीज प्लीज यार मेरे दोस्त। अच्छा तू तो इस रूट से आ रहा है क्या? रुक, तुझे अब सबक सिखाता हूँ। भाई बहुत चोट आई क्या भाई?
इतना खून दिख रहा है फिर भी पूछ रहा है साले। अरे भाई आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए ना, मैं आपको हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दिल है तेरा, तू तो साक्षात भगवान है रे। मुझे मेरा सबक मिल गया, हॉस्पिटल नहीं घर पहुँचा दे मुझे। एक रैगिंग किंग बनने का जो सपना देखा था आज से छोड़ देता हूँ। ये होता है असली रैगिंग, रैगिंग का असली किंग मैं हूँ, चलता हूँ। तो देखना तुझे भी ठोकने वाला कोई आएगा। ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से फूटना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मुझे आपके पीछे सुख जाने दीजिए। वो वहां पर मेरा मामा है, वो जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी मुझसे करना चाहता है। न तो मुझे उसकी शक्ल पसंद है और न ही उसकी लड़की की। आई स्वेयर अगर मुझे देख लिया ना तो अपने साथ ले जाकर शादी करवा के ही रहेंगे। वो इधर ही आ रहा है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें बताना मत कि मैं इधर ही छुपा हूँ, ठीक है? यही तो मेरे फेवरेट है, चलो चलते हैं। बच गया, लेकिन ये हंसी क्यों? भाई 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 वो देखो राउडी स्टूडेंट। ये तो यही है, गांव नहीं गया, चलो चल के पूछते हैं इससे। ए जाके पूछ के आ इससे, ये गांव क्यों नहीं गया अब तक? अभी लो भाई। अरे तू गांव क्यों नहीं गया अब तक? गांव? कैसा गांव? मुझे गांव जाना है? ए तुम लोग होते कौन हो मुझे गांव भेजने वाले? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मर्जी से गांव जाऊंगा। अरे भाई की बात याद नहीं है क्या? hey, कौन सा भाई? हाँ, तुझे भाई याद नहीं है? तुझे नागा भाई याद नहीं? hey, मैं नहीं जानता किसी नागा को। अच्छा तू नागा भाई को नहीं जानता? अच्छा तो तुम नागा के राइट हैंड हो? हाँ हाँ, तुम सबको याद रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपने भाई का फोटो अपने गले में लटका लो तो पहचानने में इजी रहेगा। सच कह रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरकीब भैया। अबे ओए बकवास मत कर, ये बता तू गांव क्यों नहीं गया अब तक? अच्छा सुनो, गांव जाने के लिए बस या ट्रेन की जरूरत पड़ती है, और बस या ट्रेन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों के लिए बैंक में जाना पड़ता है। कल बैंक हॉलीडे था और आज बैंक बंद है। क्या बैंक बंद है? अभी तो हम बैंक से होकर आए हैं। ओहो अच्छा, इधर बैंक में जाने के लिए बैंक में बैलेंस होना चाहिए ना? हाँ, क्या तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है? पास आओ जरा, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, बैंक में बैलेंस नहीं, अकाउंट ही नहीं है मेरा तो। अच्छा तो तू अब तक कहानियां बना रहा था? ए मुंह बंद रखो, तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊं तो क्या करूं? हाँ तुम लोगों की बात मान लूं और चुपचाप अपने गांव चले जाऊं? हाँ कुली समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। ए चलो यहाँ से, ए गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। भागो भागो चलो। ए तू यहाँ क्या खड़ा है? तू अपने आप को कौन समझता है? चल निकल 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 निकल। भद्रा तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, तुम मेरे भाई के बारे में नहीं जानते, प्लीज अपने गांव वापस चले जाओ। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा भाई है ना वो मुझे नहीं जानता, उसे जाकर समझाओ। ए, कहां गए थे तुम लोग? भाई वो बड़ा शातिर दिमाग वाला है भाई, भाई ने कहा था। कौन से भाई ने कहा था? पूछा कि गांव नहीं जाओगे तो बोला मैं क्यों जाऊंगा गांव, बोला जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, बोला बैंक में बैलेंस नहीं है, फिर बोला बैंक का कोई अकाउंट ही नहीं है। हे भगवान, भाई बहुत ही ज्यादा चालू लड़का है वो। कौन? ये चालू है?
देखा भाई, सुना आपने, ये लोग आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे सामने तो इन्हें क्या क्या नहीं कहा होगा सोचे। भाई ये देखिए टिकट, ये मैंने खुद आज खरीदा है। अपनी सारी बुक्स बेच दी, वो भी आधी कीमत पे, और ये टिकट खरीद लिया मैंने। और ये मैंने क्यों किया भाई? आपकी मर्यादा के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके डर से। लेकिन पता है भाई, इन लोगों ने आपके बारे में मेरे सामने पता नहीं क्या। छोड़िए, खैर क्या कहा मेरे बारे में, बोलो। तेरी माँ की तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की पता नहीं क्या क्या कहा। देख लिया ना तुम लोगों ने, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, तुम लोगों को एक एक करके साफ करेगा। वैसे भी तुम लोग कौन से दूध के धुले हो। तू आज ही गांव जा रहा है और वापस नहीं आएगा। ठीक है भाई, आता हूँ भाई। क्या? मेरा मतलब जाकर आता हूँ भाई। चल निकाल, जाकर आता हूँ दादी। तुम जाओगे भी और आओगे भी, इन सब को तुम ही सुधारोगे, ये मुझे पता है। अच्छा है। कैसी रही? लास्ट टाइम वाली मूवी बहुत अच्छी थी यार। चल आज फिर से चले क्या? बढ़िया थी यार, मजा आ गया। मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी थी। ओ ए, इन्हें कुछ पर्सनल बात करनी, चलो चलते। ए हेलो, तुम्हारे साथ ही बात करनी है। ओ अच्छा अच्छा, तुम लोग जाओ। ठीक है। आई लव यू। लव करती हो मुझसे, लेकिन मैं लव क्यों करूं तुमसे? ए हेलो, अगर मैं हाँ कहूँ तो मेरे पीछे एक लंबी लाइन लग जाती है, पता है? लाइन? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी, मेरी एक नजर से शहर के सारे लड़के फ्लैट होके गिर जाते हैं। ओ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक काम करो, पूरे शहर को नहीं सिर्फ एक लड़के को पटाकर दिखा दो। अच्छा सुनो सुनो, अगर मैं किसी एक को पटाऊंगी तो तुम मुझसे प्यार करोगे? पटा लो फिर देखते हैं। ठीक है ठीक है, किसे पटाकर दिखाऊं? ये तो गली पड़ गई। हाँ उसे पटा लो। ठीक है जा। इसे नहीं 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 तो ठीक है बाय। अगर मैंने उसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया तो तुम मुझसे प्यार करोगे? पहले करके दिखाओ फिर देखते हैं। फर्स्ट राउंड बिगिंस। ओह मास्टर फ्लैग। हाय गोकुल। हे कम हियर। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं। क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं। सो व्हाई द हेल आर यू सेइंग हाय टू मी? कम ऑन गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट। छी कैसा स्टूपिड आदमी है। कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया। प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर। एक्सक्यूज मी गोकुल। यस। ये तुम्हारा है क्या? ये मेरा? यस। जस्ट ए मिनट। ये मेरी का है, ये सलमा का है, रम्या का है, रजनी का है। हर फैक्ट्री का माल है अपने पास। मुझ जैसे हैंडसम को इस मामूली हैंडकरचीफ से पटा सकती है, ऐसी गलती मत करना। आई एम सॉरी। पहले हैंडकरचीफ दोगी फिर टच करने के लिए मुझसे शेक हैंड करोगी? हाथों से छू लो तुम मेरा स्किन अमर कर दो, सब पता है मुझे। बेवकूफ मत समझो, यू कांट चीट मी ओके। आई हेट लव एंड आई हेट गर्ल्स। डिसाइड, केस कर देना चाहिए। क्यों क्या हुआ? फर्स्ट साइट में लव साइट नहीं हुई क्या? ओ, ये बहुत ही हॉरिबल आदमी है। बॉस का आइडिया सुनो और वो करो। कहो। यस। कैसे? ओम नमः नारायण। ओ स्वामी। ओम नमः नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ शिट। दो चीजें हमेशा धोखा देती हैं, गाड़ी और एक लड़की। तो वेस्ट, गाड़ी पंचर होगी तो करवा। हाय गोकुल। हाय हाय। टायर पंचर हो गया क्या? नो ट्यूब पंचर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नो नो बाय।
तुम मुझे ड्रॉप करने के बहाने क्या क्या करना चाहती हो मुझे सब पता है, ओके? वो नहीं हो सकता। तुम तो ठीक हो ना? पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो तुम हासिल नहीं कर सकती, वो है गोकुल। तो फिर बैठ जाओ ना। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें अपने आप पर यकीन है ना? देयर इज अ पॉइंट। हाँ, बट वन कंडीशन। क्या? तुम रास्ते में सडनली ब्रेक नहीं लगाओगी। वो क्यों? ब्रेक से बॉडी बॉडी टच होगी, बॉडी बॉडी टच होगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो ब्लड बॉयल होगा, और ब्लड बॉयल होगा तो अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, और उसके बाद ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बैठना ही नहीं चाहता। यू कांट चीट मी, ओके? ठीक है, तुम जहाँ कहोगे वही ब्रेक लगाऊंगी। ओके, चलो। गोकुल, क्या कर रहे हो तुम? डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, नो टचिंग, ओके? टच नहीं करूंगी बाबा, ठीक से तो बैठो प्लीज। बात से मुकरना मत, ठीक है? ओके, चलो। ए, नो ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग। ओके बाबा, ओके। चलो, चलो। ओके, वादा किया है ना, मैं उसे नहीं तोड़ूंगी, ब्रेक नहीं लगाऊंगी। संभल कर, संभल कर। अरे आगे देखो, आगे देखो। अरे तुम गिरे कैसे, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा दर्द उस बैंडेज के नीचे छह लेडीज पे भरोसा करने पर हुआ ये डैमेज। क्या कहा तूने? तू जैसे सुंदर लड़के को भी प्रॉब्लम है, अजीब सी प्रॉब्लम है। अरे कोई नहीं यार, मेरे साथ हुए एक्सीडेंट में वो एक ट्विस्ट है, मेरे साथ बचपन में ही हुआ था। क्या बचपन में? सर पे तेल लगा के स्कूल जाता था तभी। सर आपको हाई लेवल में सोचना होगा, हाई लेवल में सोचना होगा सर, एक लड़की ने लव लेटर लिख दिया सर। किसको? मुझ जैसे हैंडसम को नहीं बचा पाए तो आपका प्रिंसिपल होने का फायदा क्या है सर? व्हाट इज द यूज? सर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मेरा रिएक्शन देखिएगा। सर यू आर रियली अनफिट टू सिट ऑन दिस चेयर सर, प्लीज गेट अप सर, प्लीज गेट अप। ए क्या रे, क्या समझता है तू? मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, इसलिए तू मेरे सामने इंग्लिश झाड़ रहा है? नहीं सर, वो इमोशनल हो गया तो थोड़ा सा। लेटर लाया लीजिए। मेरे प्रिय मनमदा, ये लेटर तो किसी मनमदा के लिए लिखा हुआ है। इस कॉलेज का इकलौता सबसे चाहता अकेला मैं ही हूँ सर, मेरे प्रिय प्यारे मनमदा वो मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ सर। आगे पढ़िए। सच्ची? हाँ। तुम ही हो? है ना सर, वो जैसे अच्छे बिहेवियर वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकते, ये ऐसा कैसे कर सकते बताइए आप। ए, इस लेटर लिखने वाली उस लड़की को भेजो अंदर, मैं बहुत उतावला हूँ उससे मिलने के लिए। This is too much. This is too much. Excuse me. Distance, distance. Sir. Mister. Doctor, doctor. अच्छा बेटी, सच सच बताना है, ये लेटर वाकई इसके लिए लिखा है या किसी शाहरुख या सलमान के लिए लिखकर इसे पोस्ट करने के लिए दिया था? नहीं सर, ये तो मैंने इनके लिए लिखा है। क्यों बेटी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी नफरत है? नहीं सर, पूरे मन से, अपनी जिंदगी से भी बढ़कर इनसे प्यार करती हूँ मैं। पूरे मन से, अपनी जिंदगी से भी बढ़कर प्यार करती है इसे। अच्छा बेटी ये बताओ, तुमने इसमें ऐसा क्या देखा कि तुम्हारा मन मचल गया? इनमें क्या नहीं है सर, पावर में जॉन, नौटंकी में रणबीर, रोमांस में ऋतिक, टीटीएलजे का शाहरुख, कॉमेडी करने वाला अक्षय कुमार, गुस्से में सलमान खान, हर एक का कॉम्बिनेशन भरा हुआ है सर। अच्छा बेटी, प्यार तुम इससे करती हो, सजा उन सबको क्यों दे रही हो? शट अप, यू कंटिन्यू। और मैं अपने प्यार के बारे में क्या कहूँ, मेरी तो जिंदगी है वो, मेरा तन मन धन सब कुछ उन्हीं के लिए है, उनके बिना मेरा जीवन बेकार है, जीने का कोई अर्थ ही नहीं।
अगर मेरा प्यार मुझसे रूठा तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। ए, ए, उसका लव होने पर वो रोते हुए चली गई। तेरा लव कहीं सक्सेस ना हो जाए इस टेंशन में मैं रो रहा हूँ। तू किस वजह से रो रहा है? खुशी के आंसू। वो मुझसे प्यार कर रही है, उसकी खुशी नहीं है सर। तो फिर? सर, वो लड़की मुझसे प्यार करती है, लकी बात है सर। मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, इससे वो डबल लकी हो गई है। क्या 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 क्या? वो तुमसे प्यार करती है इसलिए वो लकी है? तुम भी उससे प्यार करने लगे हो इससे वो डबल लकी हो गई है? तो तुम दोनों के बीच में क्या जोकर हूँ? आई डोंट नो सर। तो फिर क्या कहा उसने? ऐसा क्या बोल दिया तूने गोकुल को? बक बक करके दिमाग खा गया। कह रहा था टार्जन के गेटअप में मैं सलमान दिखता हूँ। क्या जादू कर दिया उसने? दीवाना कर दिया। मेरी बला से वो भाड़ में जाए। अब मैं जल्दी से जाके भद्रा को प्रपोज कर देती हूँ। इसका मतलब तुम कभी से प्यार नहीं करते? प्यार करूंगा और वो भी उससे। सुन, उसका भाई है ना, वो बहुत बड़ा डॉन है और पता है वो मुझे जबरदस्ती गांव भेजने पर तुला हुआ है। अगर यहाँ उससे मैंने प्यार कर लिया तो चेस करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, ये सब अपने बस का नहीं है। इसलिए मैंने अपने कॉलेज का किंग है ना गोकुल, उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। अब वो लोग प्यार से धीरे धीरे रोमांटिक डुएट गालेंगे और मैं सैड सॉन्ग गा लूंगा। तुम इंसान नहीं हो, धोखेबाज हो। मैंने तुमसे प्यार किया, पागल थी मैं। मेरे भैया से डरकर मेरे प्यार का तुमने अपमान किया है भद्रा। I hate you. छे, क्या यार? देख यार, ये ठीक नहीं हुआ, वो हर्ट हो गई। जा जाकर उसे मना। ए, क्या कहा? मैं नहीं मनाने वाला उसे। उसका दिल दुखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोल रहा है शहर के सारे लोग डरते हैं मुझे, लेकिन तुझे मेरा डर अभी तक काम नहीं गया। भुगतेगा तू, आज तू भुगतेगा। डरता नहीं मुझसे? डरता नहीं है ना? गाड़ी भगाओ और तेज भगाओ, भगाओ। जाओ नहीं जाएगा। हाँ, तुझे एक और चांस दे रहा हूँ। अगर तू इस बार गांव नहीं गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरी लाश को शमशान घाट भेज दूंगा। यह आखिरी मौका है, याद रखना। गाड़ी चलाओ। देखा क्या हुआ? जो हुआ बुरा हुआ। तुम मुझे शमशान पहुंचाने वाले थे, लेकिन तुम्हें ही शमशान आना पड़ा। अफसोस। तुम मुझे मारने वाले थे ना, लेकिन देखा अंजाम, तुम्हारे ही दादाजी की मौत हो गई। ए, तू अभी तक गांव नहीं गया, तेरी इतनी हिम्मत? तुम जैसों से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, तुम खुद डरपोक हो। Hey!
जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, ये पता नहीं तुझे? तू कौन है मुझे इस शहर से भगाने वाला? ये शहर क्या तेरे बाप की बपोती है? मैंने सीरियसली डिसाइड कर लिया कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे शहर में लव हो गया है। और पता है लव किससे हुआ? तुम्हारी बहन से। आवाज कम कर, मैं इसी शहर में रहूंगा और तेरी बहन से शादी करूंगा। तुझे जो करना है कर ले। बनाने के लिए पिक्चर देखने आए हैं, मूड बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं। टेंशन छोड़ दो, चीयर अप। वो देख, तेरा हीरो आ गया। हाय। शैल कम। क्या हुआ सर? थिएटर में आ जाते हैं पीवी कर। हाँ, आ रहा हूँ, कमिंग कमिंग। क्या हुआ? मूवी देखने आई हो? मूवी देखने नहीं, पिज़्ज़ा खाने। हाँ। ओके, तो तुम लोग पिज़्ज़ा खाओगे या भजिया खाओगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Have something? No, I have something. मैं लेके आता हूँ। तुम साइड में जाओ, मैं बात करती हूँ। मैं लेके आता हूँ। If you don't mind, वहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन है, तो मेरे लिए पॉपकॉर्न ले आओगे ना? दोनों पकाऊं। पॉपकॉर्न? वो भी कोई खाता है? अरे तुम जैसे हॉट लड़के कुछ कूल पीना चाहिए। कूल? तो ठीक है, वही ले आओ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न ही लाऊंगा। अच्छी गर्ल्स वो नहीं पीती, मेरी मम्मी ने कहा है। पॉपकॉर्न चाहिए? अभी लेकर आता हूँ। पॉपकॉर्न वहाँ है, चलते हैं ना। हेलो, टू पॉपकॉर्न्स।
तू क्या हुआ जी? उठिए उठिए जी, क्या हुआ? सेम ओल्ड फेलो, क्या हुआ इसे? ऑक्सीजन ज्यादा हो गया बेचारा, निकलना पड़ेगा। टू पॉपकॉर्न। उठिए जी उठिए, ये लीजिए सर। उठिए जी, पिक्चर स्टार्ट हो गई है। सुन लो, किसी भी तरह मुझे वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा, फैसला कर लो तुम। जिंदा रहे। ए, क्या नाच रहा है सामने? हट, ओए हट। क्या है? This is my seat. Okay, you go there. I sit there. Wow. See this? Go there. वो मेरी है। Stupid idiot. पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सब। मुंह बंद करके मूवी देख वरना। लो काम पे मुझसे, मेरी शक्ल से डर गया। नो डिस्टेंस मेंटेन करो। मैंने हासिल किया है जब मैं बेटी बाजार में रहता था। इस वक्त को हासिल करने के लिए कईयों की गर्दन काटने पड़े मुझे। धीरे ले नहीं है। उधर पास कर। गर्दन कटने कटने बच गई। लेकिन अब बच गई है तो हमेशा डर कर ही रहेगी। फर्क कुछ नहीं पड़ता चाहे वो गर्दन तने या सीना। जाओ उससे कह दो। हेलो। मान डाला है। और तो कहूँगा मैं, मान में हाथ नहीं डाला है। शेर के मुंह से गोश्त खाने वाला छीनने की कोशिश की है। हर तरफ अनाड़ी, बीच में भिखारी। वाओ। ऑक्सीजन। रिएक्शन नहीं आ रहा है। डिस्टेंस कम करना होगा शायद। एक्सक्यूज मी। यस। तुम हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। किससे पूछकर मूवी देखने आई हो? आज के बाद तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मेरे साथ चलोगी, समझ गई? ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? मेरे लवर हो? मैं तुम्हें आई लव यू बोलता, तुम जाकर अपने भाई को बोलती, वो आकर मुझसे पूछता। मैंने सोचा इसलिए डायरेक्टली जाकर बोल देता हूँ और अभी बोलकर आया हूँ। और पता है वो भी कहाँ? शमशान में। पता है? वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अरे सुनो, रिस्क लेने में ही तो मजा है। मेरे भैया के आदमी पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पता है, इसीलिए मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि मैं कहीं और नहीं, थिएटर में हूँ, वहीं आ जा। हाँ, क्या कहा? मैं भाग जाऊँ यहाँ से? भाई वो देखो आ गया। आप बस एक बार हाँ बोल दो, मैं तलवार के एक ही वार से उसका धड़ अलग कर दूंगा। वो नारियल पानी की गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है? भागने के लिए ताकत की जरूरत होती है ना भाई। भाई उसने तो चाकू निकाल लिया। तो क्या हुआ, वो क्या करने का हमारा? भाई वो तो भाग रहा है। ए पकड़ो उसे। भाई अमरीश भाई,
आप कलयुग के देवता हैं। आप सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी रियल स्टार हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। बहुत सारे लोगों को आपने मुश्किल से बचाया है, मुझे भी बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपकी सारी फिल्में देखूंगा। ढूंढो उसे। जो गलती कर रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। जय अमरीश भाई। भाई अमरीश भाई का कटआउट किसी ने गिराया था। कैसे रही? ये सब मैंने अमरीश भाई के फिल्मों से ही सीखा। अमरीश भाई का कटआउट क्या है? तुम्हारा ये हाल किसने किया? कुछ तो बकाओ। मैंने उसी दिन कहा था मंडी यात्रा के लड़के से पंगा मत। ए दादी, अंदर जाओ, अंदर जाओ। उस एक अकेले ने तुम सबकी ये हालत कर दी। एक नहीं भाई, बहुत सारे लोगों ने मिलके मारा। उसके इतने सारे आदमी कहाँ से हो गए? उसके नहीं भाई, अमरीश के फैन। अमरीश के फैंस? ए, तुम लोगों ने उनसे पंगा क्यों लिया? हाँ, उसे पकड़ने हम थिएटर में गए थे। थिएटर के पास रुके भाई, हमें देखकर वो भागा। हम उसे पकड़ने भागे थे भाई। उसने हाथ में चाकू लिया, चाकू लेकर भागा और पोस्टर को काट दिया। हमें आकर पकड़ा, अमरीश के फैंस को बुला लिया। सबने मिलकर इतना मारा कि हड्डी पसली है। अम्मा, वो कब भागा, लोग कब आए, कब पिटा, कुछ समझ में नहीं आया। एक और चांस दीजिए भाई, इस बार उसकी कहानी खत्म करके आता हूँ। इसकी कहानी खत्म। दादी चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। ए नागा, तेरे आदमियों को अच्छी तरह बता दे, अमरीश भी मंडी यात्रा का ही है। हाय। तुम्हें क्या चाहिए? आई लव यू कहो ना। मैं नहीं कहूंगी। क्यों? अब शर्मा रही हो? नहीं। अरे शर्माओ मत, कह दो। सॉरी, नहीं बोलूंगी। भैया बुलाओ क्या? आहा, तो फिर प्यार से शर्माते हुए किस देकर आई लव यू बोल दो। नहीं बोलूंगी। फिर बुलाओ। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो काव्या, तुम्हें आई लव यू तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। आई लव यू। ये क्या भीख दे रही हो तुम मुझे? एक बार प्यार से बोलो ना। नहीं 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 मानोगी तो मैं अभी बुलाता हूँ ना का भाई। देखो आज की यंग जनरेशन का क्या हाल है, क्या होगा। ट्राई तो करना चाहिए भाई। ए, अब यहाँ क्या खड़े खड़े पूरी फिल्म देखेगा? चलो यहाँ से चल। ए, चलना चलने तो गर्मी उतार रहा तेरी। तेरी बेरुखी ने यारा घायल बना दिया है। चॉकलेट बाइसेप हार्ड है, तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। जाने के लिए रास्ता दोगे? तुम मेरे रास्ते में आए हो। मतलब? मतलब ये कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ और ये बात सभी जानते हैं, कि खंबा जानता है। कोई डाउट है? चाहो तो हमारे जूनियर प्रिंसिपल से भी पूछ लो, मैं लेके चलूं। काव्या से प्यार करने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन नहीं चाहिए। तो किसकी चाहिए यार? उसके भाई की। भाई? मैंने उसके भाई को डायरेक्ट बोल दिया था कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ बस। और पता है उसने मुझे मारने के बजाय आशीर्वाद दे दिया। What a gentleman. आज ही मैं उनके पास जाऊंगा, अभी जाता हूँ। Thank you bro. No one can cheat me, okay? Hey Naga! Are you Naga? Hey! क्या हुआ?
हाँ मैं हूँ। I'm cool dude। नाम है तेरा? नहीं, वो मेरी टैगलाइन है। Cool is my title, okay? I'm always cool। तो मैं क्या करूँ? पता है, cool भी दक्षिणा हो गई। Take it। पत्ता फूल दक्षिणा है क्या ये? This is all some Indian customs man, just for formality। ये किस लिए? सुना है कोई अगर आपकी बहन से प्यार करता है तो आप उसे आशीर्वाद देकर सिर पर चावल डालते हैं, है ना? So, I love your sister। अरे समझ में नहीं आया? English problem, bloody English problem है। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। बहुत प्यार, प्यार इतना गहरा हो चुका है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? What to do with this fool man? कैसे समझाऊँ? Hey, stand up, stand up. हाँ रख दो। Hey, no formalities. Get out. You stand up. Nice body, I like it. Nice body. Do one thing. Raise your hand. Raise your hand, buddy. Raise your hand. Come on. अब अपना जो दायां हाथ है ना वो मेरे सिर पर रखो, please man, hurry up, come on, fast. मोटा भी, what a stomach man. क्या इस तरफ north की side? What a vastu man. मैं यहाँ कैसे आ गया? छोड़ दे उसे, वरना ये चाकू इसके अंदर जाएगा और इसका खेल खत्म। तुझे 2 मिनट का वक्त देता हूं, फैसला कर ले, उसकी जान लेगा या फिर इसकी जान बचाएगा। भाई यहाँ, भाई देखो क्या हाल कर दिया उसने, भाई देखो। तो अब वो डर को डर दिखा रहा है, देखा जाए तो आफ्टर ऑल वो एक स्टूडेंट ही तो है। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे खत्म कर दूंगा उसे। ठंड से बुखार आया या बुखार से ठंड समझ में नहीं आ रहा है। ए बद्रा, तुम्हें खत्म करने के लिए कौन कहां से आएगा, किधर से आएगा, चाकू लेके आएगा, बंदूक लेके आएगा या तलवार लेके आएगा, ये सोच कर ही डर लग रहा है। अरे भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जीना छोड़कर डरने की आदत लग जाएगी। भगवान के लिए ये हॉस्टल छोड़ दे प्लीज भद्रा। उसे भी पकड़ो। छोड़ना नहीं साला। बोल कहाँ है वो? बोलता है कि नहीं? अगर किसी को भी कुछ पता चलता है तो मुझे खबर करना, वरना अंजाम यही होगा। चलो यहाँ से। भद्रा, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम थोड़े दिनों के लिए क्यों ना अपने गांव चले जाओ, प्लीज। तुम चाहती गांव चला जाओ, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ यहाँ, क्योंकि सारे बड़े लोग हल्के होने के लिए यहीं पर आते हैं और यहाँ पर आदमी खुले दिमाग से बात करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये मसला यहीं सुलझा ले। तुमने मेरे दोस्तों को मारा, पीटा, परेशान किया, मुझे कहा कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें ही 4 हफ्तों के लिए यहाँ से कहीं भेज दूँ। और कारण भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि ठोस होना चाहिए। सॉरी सर, ये कट बहुत ज्यादा डीप है, आपको कम से कम 4 हफ्ते का रेस्ट लेना पड़ेगा। क्यों ना तुम्हें 4 हफ्तों के लिए कहीं भेज दो। सर, ये कैसे हुआ? सर, वो टॉयलेट में बैठा था तो उधर उधर कैसे हो सकता है सर? ब्लेड वहां कैसे लग सकता है सर? ए, अब तुझे क्या डिटेल दो। कोई बात नहीं सर, अब बाद में बता दीजिएगा। तो सर, सर, आप पेशेंट को ज्यादा बोलने पे मजबूर मत करिए, उनका जख्म अभी ताजा है, आप बाद में बात करिएगा। प्लीज आप बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज, प्लीज। टेक केयर सर। आइए आइए, बाहर आइए। स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हे नाग, हे ड्यूड, सेम पिंच, सेम पिंच। मुझे तो तुमने मारा था, तुम्हें किसने मारा, किसने पिटाई की? हे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई एम देयर कूल ड्यूड, कूल ड्यूड, तुम्हारी बहन का लवर। बहुत बड़ा प्रेमी हूं मैं। तुमने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, धोखा दिया, धोखा दिया। हे, उसे यहाँ लेकर आओ। कम ऑन कम ऑन, गेट इन। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मुझे छोड़ दो, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मिलना उनसे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हे, सेम ऑल सेटअप बॉयज, हां, ऑल नो चेंजेस, हां। हे नाग, I was actually don't know, आशीर्वाद मैंने सिर झुकाया था, एक बड़ा सा साउंड आया, आई स्टे, आंखें खोली तो हॉस्पिटल में था। व्हाट हैपेंड दैट टाइम? हे, व्हाट हैपेंड यार? हे, टेल मी नो, व्हाट हैपेंड? हे, व्हाट हैपेंड, बताओ ना। ओके, लीव इट। तुम्हारा आशीर्वाद बैलेंस है, दोना है, दोना दोना, ए प्लीज दोना, प्लीज दोना, चल छोड़ ना आशीर्वाद, दोना, इस टाइम नहीं है यार, इसे आशीर्वाद चाहिए, दे दो। अच्छा ये बताओ, कहाँ लेकर जा रहे हो? एक महात्मा के जन्म स्थल पे। महात्मा कौन? हाँ, है वो इस बाइक को चलाने वाला। ओह, कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे हो। उतरो, यही तुम्हारी ससुराल है, आ जाओ। ओह, ये क्या, क्या हुआ? ताला लटका हुआ है। तुम आ रहे हो इस बात से डर कर चले गए होंगे। चाबी कहाँ होगी मुझे पता है, पिताजी को ना मिले इसलिए माँ ऐसी ही किसी जगह पर छुपा के रखती है। हम एक काम कर सकते हैं। क्या? मिली? नहीं। देखिए क्या? हाथ नहीं पहुंच रहा है। नहीं। देखिए, देखिए। नहीं। दिखाई दे रही है। नहीं। दिखाई दे रही है। हाँ, मिल गई। हेलो, बहुत हुआ, अब नीचे उतारोगे? आ जा, देखो यही वो जगह है जहाँ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। तुम आ जाओ, तुम्हें किचन दिखाता हूँ। अरे भाई, खाना बनाओगे तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। क्या हुआ, ठीक से
थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, फिर से बांध के दिखाओ ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। भद्रा मुझे भूख लगी है। अरे रे, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे खाना बनाना आता है। ओह अच्छा, जाओ 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 तो बनाओ जाओ। पैर धोने के लिए पानी लाओ। प्यास लगी है, पीने के लिए पानी लाओ। लाओ बे लाओ। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना तैयार करो। आशीव, आशीव। आज तो दर्शन अच्छी तरह से हो गए। हाँ माँ। हाँ? ये क्या लीला है, तुम अंदर खाना बनाने गई थी, तुम बाहर से कैसे चली आ रही हो? ओफो, मैं तो अभी आ रही हूँ। आप कब आए? तुम अभी आ रही हो? हु? फिर वो लोटा और ये गिलास। कौन सा लोटा कौन सा गिलास, मैंने तो आपको पानी नहीं दिया। अरे सच कह रहा हूँ, पैर धोने के लिए पानी दिया, पीने के लिए पानी दिया है। हाँ, मैंने? हाँ। अरे 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 अरे, ये तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया, जल्दी से जाकर डॉक्टर बुला कर ला। मैं फोन करता हूँ। ए रुक तू, ये सब किसने किया होगा? माँ, माँ, तुम्हें अपने बेटे से अब भी प्यार है, तुम उसका कितना ख्याल रखती हो माँ? माँ, माँ, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ माँ। माँ, मेरी एक ही ख्वाहिश है माँ, मुझ पर ममता दिखाने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार सामने आ जाओ माँ, एक बार सामने आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ माँ, बस एक बार सामने आ जाओ, एक बार। पिताजी, दादी। आपकी माँ ऐसे बाल खोल कर क्यों आ रही है जी? मुझे क्या पता, पर डरो मत, वो मेरी माँ है। पिताजी, दादी से जाने के लिए कहो ना, देख तो लिया। ए, ये सब क्या करता रहता है तू? ये तेरी दोस्त हुई तो क्या, एक कुंवारी लड़के को लेकर गली गली में घूमेगा तू? दुनिया क्या कहेगी? सब लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी? अंकल सॉरी, मेरी वजह से आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात मान लीजिए। क्या है ये? खीर खा लीजिए। खीर खिला के ये मत सोचना कि तुम हम लोगों को पटा सकती हो। वो बात नहीं अंकल, आज का दिन आपके लिए स्पेशल है ना? कोई खास स्पेशल नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि वैसे आज ही के दिन मुझे ज्ञानोदय हुआ था। वो कैसे? वो तुम्हें क्यों बताऊं? आज का दिन कौन सा है? 2 अप्रैल। अप्रैल 2 के दिन आपका स्पेशल क्या था? अरे 1 अप्रैल को सब फूल बनाते हैं, और 2 अप्रैल को इनसे शादी करके मैं फूल बन गया था। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अंकल आंटी को पटाने के लिए तो मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। बेटी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, ये बात भद्रा ने बताई ना? नहीं आंटी, वहाँ पर आपकी शादी का फोटो देखा ना। ये बात है। ए भद्रा, लाइफ में तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया। अब जब तू उस बच्ची को अपने गांव में लेकर आया है तो इसको गांव की सैर नहीं कराएगा? भद्रा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अबू, अरे बेटा तुम्हें यहाँ कौन लाया? अंकल के साथ आए। अंकल? आप भी तो जानते हो अंकल को। हेलो। हेलो, कैसे हो भाई? हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई? गला कैसा है अब तुम्हारा? बच्ची को मैं ही ले गया था, वो क्या है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत है ना, तो जरा खुद को संभाल कर रखना, होशियार रहना और फैमिली को संभालना। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो नहीं तो पछताओगे। पता है ना, शेर को ही सवा शेर मिलता है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली का पता करो, जाओ। ऑटो में चले क्या? ठीक है पिताजी। अरे भाई, एमसीआर कॉलेज का पता है क्या? मैं शहर में नया नहीं हूँ, मुझे पता है। तो हमें भी पता है। तो कितना लोगे? अभी कुछ नहीं लूंगा, आपको पहुंचाने के बाद मीटर में जितना होगा उतना ले लूंगा। ये ईमानदार ऑटो वाला है, चलो आ जाओ। हाँ चलिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। आ जाइए।
अरे ये तो वही लड़की है जो अपने भद्रा के साथ अपने गांव में आई थी। हाँ वही है पिताजी। अरे काव्या, काव्या, अरे सुनो उस लड़की का पीछा करो जरा। अपनी उम्र का तो लिहाज करो बाबूजी। अरे तुमने क्या समझाया मुझे, वो मेरे बेटे की होने वाली बीवी है। काव्या तुम लोग मेरे ही आदमी हो क्या? पूरा दिन भाई भाई कह के मेरे पीछे चमचागिरी करते रहते हो। सिर्फ एक आदमी का एड्रेस निकालना था, वो भी नहीं होता तुमसे, बस दिन भर यहाँ बैठकर ढूंढते रहते हो। पहचाना कि नहीं, कैसी हो बेटी? अरे अंकल आप यहाँ? अरे बेटी हम पूरे रास्ते तुम पुकारते आ रहे थे लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अंकल वो ट्रैफिक में ना आवाज सुनाई नहीं देती है इसलिए। कोई बात नहीं बेटी, हम यहाँ आकर के तुमसे मिल लिए, अच्छा लगा। मिल लिए ना, बातें भी हो गई है, तो अभी आप लोग जाइए। ये क्या कह रही हो बेटी, जब हमारे घर आई थी तो हमने कितनी मेहमान नवाजी की थी तुम्हारी। शहर की है ना लड़की पिताजी, बात करना मिलना ये सब नहीं जानती है। काव्या ये सब कौन है? ये मेरे कॉलेज फ्रेंड के वो कॉलेज फ्रेंड के फादर। ओ ब्रदर, बिग ब्रदर। आइए आइए अंदर आ जाइए। शहर में भी एक अच्छा सिटीजन मिला है। अंकल अंकल प्लीज सुनिए, पहले मैं गार्डन दिखाती हूँ, वहाँ भी एक गेट है, वहाँ से ऑटो पकड़वा देती हूँ, फिर आप लोग किसी होटल में रह लेना। पर क्यों बेटी, क्यों जाऊँ मैं होटल में? भाई मुझे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारे घर में खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। खाना खा कर जाएंगे आप लोग? ठीक है चलिए। अरे चलो। बहुत बढ़िया खाना था, सिटी सांभर खाकर तो मंडी यात्रा की याद आ गई भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग मंडी यात्रा के हैं? बचपन से ही सर, मंडी यात्रा हमारी जगह है, पूरी फैमिली मंडी यात्रा में रहती है। ये आपके गले पे चोट का निशान है क्या? हाँ ओ नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो आजकल डिजाइन चलता ना, वो क्या कहते हैं टैटू, हाँ वही है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काटा है। वो कौन है मुझे बताइए, मैं देख लूंगा उसे। आप एक शांत इंसान हो इसलिए शांत हो गए, अगर मैं होता तो उनकी पूरी फैमिली को दौड़ा दौड़ा कर मारता, उनका पीस पीस काट कर कुत्तों को खिला देता मैं। फैमिली। अंकल आपके बस का टाइम हो रहा है। हाँ हो गया बेटा। ए, चलो ए, बस का टाइम हो रहा है। चल, हम चलते हैं। संभाल कर वो देना जरा। ये लो बेटी, इसमें हमारे साथ खिंचवाई हुई फोटो है। और क्यों अंकल? ले लो बेटी, इस शहर में मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, कॉलेज ले जाना, सबके साथ मिल बांट के खाना। चलता हूँ सर। मेरी राइस मिल देखना चाहेंगे? बस का टाइम हो गया, चलते हैं। चलते हैं। अच्छा परिवार है बेटी तुम्हारा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। फुल ट्रेडिशनल फैमिली है। भाई, उसकी फैमिली इसी शहर में आई हुई है। पता है मुझे, अबे वो इसी शहर में ही नहीं, अभी तक यही मेरे सामने बैठे थे, अब जा जाकर पकड़ो उन्हें। ठीक है भाई। सभी मंडी यात्रा के हैं ना, जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। क्या बताया यार इसने? हेलो, तुम्हारे पापा और भैया लोग आए थे। ठीक है तो क्या हुआ? क्या क्या कहा? वो सब तुम्हारे फैमिली के हैं, वो बात भैया को पता चल गई है। पता चल गया? क्या होगा? वो लोग कहाँ हैं? बाप रे बाप, पेट भर के खाना खिलाया। हाँ। कितने अच्छे लोग हैं, कितना हाँ, अच्छा भाई हाँ। है, इंसानियत अभी भी बची हुई है बेटा। हाँ, हाँ। बड़े अच्छे लोग थे वो, बड़ा हाँ, अच्छा परिवार था। हाँ पिताजी। अरे भद्रा का फोन आ गया। हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप? मैं शहर में आया हुआ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? काव्या ने बताया। काव्या ने सब बता दिया? पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वहाँ से फौरन निकलिए। क्यों, क्या हुआ? एक बार पलट कर देखिए। एक टाटा सुमो उड़ती हुई आ रही है और बहुत से लोग भी हैं, ऐसा लग रहा है कोई शूटिंग चल रही है। हाँ शूटिंग ही होगी, वो आप तीनों को शूट करने के लिए आ रहे हैं। है? किस लिए? पहले वहाँ से भागने की सोचिए। भद्रा भागने के लिए कह रहा है? भागिए पिताजी। मारने क्यों आ रही है?
अरे हे भगवान, अरे ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए भाई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? अरे क्या क्या हो रहा है? बोलो आ गए, अरे चलो भाग, चलो 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 चलो। भाई वो लोग यहाँ नहीं है, चलिए यहाँ से। यही होंगे, ढूंढो उन्हें। भाई वो यहाँ नहीं आ सकते, आप बात को समझो, हमें आगे देखना चाहिए। चलिए चलो रे, आगे देखते हैं। बच गए, उनसे तो बच गए, लेकिन अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो हम नहीं बचेंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो। पिताजी, अल्लाह की दया से हम लोग आज बच गए। सच कह रहा है तू, सच कह रहा है। पिताजी, अब क्या हुआ? आपके लाडले बेटे का फोन है। अब क्या पिताजी, अब आप तीनों कहाँ हैं? नालायक, नरक से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं। पिताजी मजाक का वक्त नहीं है, बताइए कहाँ हैं आप? तुझे मजाक लग रहा है या हमारी हालत खराब है? खुदा के देख ले, हम लोग रास्ते में खड़े हुए हैं। रास्ते में? कौन सा रास्ता? कोई लैंडमार्क बताइए ना। ये एक बस स्टॉप है मीरपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। आप वहीं रहिए, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। अब क्यों आ रहा है तू? क्या जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा? पिताजी मैं आने के बाद सब कुछ बता दूंगा। उसने कहा कि हम लोग यहीं बैठकर उसका इंतजार करें। चलो बैठो। हेलो, ये मीरपुर पुलिस स्टेशन है? हाँ है सर। आपके पुलिस स्टेशन के सामने एक बस स्टॉप है? हाँ हाँ है। अच्छा, वहाँ 3 लोग बैठे हैं ना सर? हाँ हाँ। उनमें से एक की मूछें बहुत बड़ी है और वो मोटा है ना सर? हाँ है सर। वो टेररिस्ट हैं, टूरिस्ट के भेष में टेररिस्ट हैं वो लोग। बहुत ही खतरनाक है सर, वो दूसरे देश के जासूस है सर। वो आपके पुलिस स्टेशन में बम रखने आए हैं। जल्दी से उन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर, जल्दी। आपको कितनी देर में आएगा पिताजी? अरे मुझे क्या पता, ये कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था, जहाँ भी जाता है किसी न किसी को फंसा देता है। पिताजी उधर देखो। मिल गया साला। अरे अब हम फंस गए। भाई भाई पीछे पुलिस है, पुलिस है। तो दूसरे देश के जासूस हो? क्या मजाक कर रहे हो साहब, आपको हम जासूस लगते हैं क्या? हमारी तो महसूस करने की ताकत खत्म हो गई। मतलब तुम लोग टेररिस्ट नहीं हो? क्यों मजाक कर रहे हो साहब, आपको हम टेररिस्ट दिखते हैं चेहरे से। उनके चेहरे पे जो रौनक होती है वो हम लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है क्या साहब आपको? शक्ल देख के तो रहम खाओ। तो तुम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों बैठे थे, बोलो जल्दी बोलो। क्या बताओ साहब आपको, मेरा एक तीसरा बेटा भी है नालायक, उसी ने कहा था कि हम लोग वहाँ बैठ कर उसका इंतजार करें। मेरे भाई ने कॉल करके वहाँ रुकने को कहा था सर। मतलब वो टेररिस्ट है क्या? करेक्ट साहब, ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट कही। वैसे तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने है? अलकायदा ने ना? फिर मजाक कर रहे हो साहब आप, अलकायदा के होते तो अब तक हम लोगों को छुड़ा लिया जाता। सच बताओगे कि नहीं? आ गए, भगवान आ गए हमें बचाने के लिए। ए इंस्पेक्टर, आप इनसे पूछ सकते हो कि हम लोग कौन है और क्या है। सर, इन टेररिस्ट से आपका क्या संबंध? अरे ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये मेरे काफी खास आदमी है। चलिए 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 चलिए। नमस्कार सर, भगवान है आप। ए, प्रणाम करो भगवान को। जब आपके घर गए तो आपने अन्नदान किया, अब यहाँ स्टेशन में आके हमें जीवन दान दिया है। नहीं नहीं, अच्छा इंस्पेक्टर, आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है? हाँ, कोई डाउट हो तो घर आकर पूछ लेना। चलिए 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 ना।
ए इंस्पेक्टर, आगे से अपना काम थोड़ा ठीक से किया करो। कौन टूरिस्ट है कौन टेररिस्ट ठीक से पहचाना करो पहले। पंगा क्यों ले रहे हैं? चलो, क्या कर रहे हैं? चलिए आप। आइए आइए आइए। सर आप कितने अच्छे इंसान हैं सर, आपने हमेशा हमारी मदद की है, आप तो भगवान है हमारे लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, चलो 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 अंदर बैठिए। पिताजी आ गया तू नालायक कहीं का, हम मर गए जिंदा ये देखने आए? तू सिर्फ खाने और सताने के लिए पैदा हुआ है, ये तो इस भगवान ने हमें बचा लिया, वरना हम तीनों आज जिंदा नहीं बचते। हाँ पिताजी आप उसकी गाड़ी में मत बैठना। क्यों नहीं बैठूं? बैठूंगा मैं, ये भगवान है हमारे, इनकी बात मानूंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। तेरे साथ रहकर जीने से तो अच्छा है कि मैं इस भगवान के साथ रहकर वहीं मर जाऊं। चलो रे पिताजी। अब क्या बाकी है? उसके गले के जख्म के निशान को देखिए। किसने किया वो? अभी भी नहीं समझे आप? आप ही हमारे धर्मराज हैं। धर्मराज धर्मराज कुछ भी हो लेकिन आप तो हमारे लिए ही भगवान हो सर। सर आपकी दुश्मनी हमारे भाई से है, उसके साथ जो करना है कीजिए पर हमें जाने दीजिए। तुम लोगों को मार दूंगा तो वो खुद ही मर जाएगा। अरे 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 हमारे बीच इतना सेंटीमेंट्स नहीं है सर, वो अलग है और हम लोग अलग है सर। उसे पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सुना ना सर, सुना ना, पूरी गलती मेरे पिताजी। पिताजी और उसको रख लीजिए पर हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं सर, ये दोनों भी उसके भाई है, उसने इनसे ही बहुत कुछ सीखा है। नहीं 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 नहीं, मरोगे तो एक साथ मरो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत करिए साहब, फैमिली के नाम पे उसने भी मुझे धमकी दी थी। क्या सर, आप हीरो को छोड़कर साइड एक्टर्स को पकड़ रहे, आपको क्या मिलेगा सर? लेकिन अब वो हीरोगिरी दिखाने तो आएगा ही। ए, क्या हुआ? आएगा नहीं भाई, वो आ गया है। पिताजी पिताजी भैया भैया कुछ तो बोलो। पिताजी बोलिए ना। पिताजी पिताजी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। ए भद्रा सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर तू मेरी औलाद है तो वही लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। तुझे जो करना पड़े कर, लेकिन उस गांव में तू तभी कदम रखेगा जब वो लड़की तेरे साथ आएगी। ए, जीत तेरी होगी, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। टेंशन मत ले, जीत तेरी होगी। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है पिताजी। यस आए, तुम सबको पता है कि वो साला कहाँ है? तुझे पता है? तुझे भी पता है? ए, तुझे पता है ना? मुझे पता है सर। पता है ना? तो फोन लगा उसे, फोन लगा और यहाँ बुला उसे। ए, जब तक वो यहाँ नहीं आता कोई यहाँ से नहीं जाएगा, समझा गया ना? मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। भैया भैया प्लीज भद्रा को कुछ मत कीजिए, वो तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था, वो तो मैं थी कि जो उसे प्यार कर बैठी। सुनो, तुम अगर उससे प्यार करती हो तो मैं उससे नफरत करता हूँ। ए, तो फोन कर, फोन कर। कर रहा सर। भाई फोन। हेलो, कहाँ हो? तू कहाँ है? मैं कार पार्किंग में हूँ। मुझसे डर कर कहाँ छिपे हो? ऐसे तो नहीं भागना चाहिए। ए, आज तू जिंदा नहीं बचेगा, वहीं रख दो। कौन जिंदा रहेगा? वक्त बताएगा। ए,
चलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मरते मरते बचा। तू नहीं मारेगा उसे, उसे मैं मारूंगा। वो डर जो इसकी आंखों से गायब हो गया है, वो डर मैं दोबारा पैदा करूंगा। तुम सभी के बीच में मारूंगा, पूरा शहर देखेगा कि नागा से ना डरने का अंजाम क्या होता है। What is this comedy? मुझे अकेले को मारने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ी तुम्हें? चार चमचों को साथ में रखकर और लोगों को धमकियां देकर रास्ते पे घूमने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। तुझ जैसों को हराने के लिए मुझे 100 लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। ममता, प्यार, करुणा और इंसानियत के अलावा मैं कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाता। चल आज देख लेते हैं कि किस में कितना दम है, आजा। ये हुई ना बात, अगर तू हारा तो शहर छोड़ के चले जाना। अगर तुम हारे तो अपनी बहन और दादागिरी को छोड़ दोगे क्या? मैं तुझे 3 मौके देता हूं, उठा ले, आजा, आजा। मैं मारू तुझे बॉल। मैं मारू बॉल, बॉल मैं मारू तुझे बॉल, बॉल मारू बॉल। नहीं करना, अब लगाना डर। हाँ डर लगाना तुझे, डर ही तेरा इन्वेस्टमेंट है ना, डर ही तेरा जजमेंट है ना। सबको मार कर डर पैदा करने से जीत हासिल नहीं होती, जीत हासिल होती है प्यार से, मोहब्बत से, लोगों को अपना बनाकर।